एवरी वन, आई एम मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू द चैनल राइट डायरेक्शंस बाय सलीम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे साइंटिस्ट जिनको नोबल प्राइज़ मिले हैं, ठीक है, ऐसे नोबल लॉरेट्स इन बॉटनी एंड रिलेटेड डिसिप्लिन, ठीक है ना। नोबल प्राइज़ ये एनुअली दिए जाते हैं रॉयल स्वदेश अकेडमी ऑफ साइंसेज, ठीक है ना, और ये कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट जो नॉर्वेजियन नोबल कमेटी का, ठीक है ना, उन इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस देते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, लिटरेचर, पीस, फिजियोलॉजी, मेडिसिन में, ठीक है ना। हाँ, और उनको 1895 में जो है इस्टेब्लिश करा गया था, ठीक है ना। तो देखते हैं कौन किस ईयर में किसको मिला और क्यों मिला, ठीक है ना, ये चीज़ें हम देखेंगे। पहला 1901 में मिला नोबेल प्राइज़ एमिल ए वन बहरिंग को, ठीक है ना, ये फर्स्ट नोबेल प्राइज़ था 1901 में, ठीक है ना, एमिल ए वन बहरिंग को मिला। क्यों मिला, इसने सीरम थेरेपी फॉर डिप्थेरिया इस पे काम करा, ठीक है। उसके बाद फिर 1905 में मिला रॉबर्ट कोच को, ठीक है, क्यों मिला, क्योंकि इसने काम करा था ऑन कल्टीवेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम, उस पे काम करा, ठीक है ना। फिर 1907 में मिला एडवर्ड बुचनर को, ठीक है ना, एडवर्ड बुचनर को नोबेल प्राइज़ मिला 1907 में, क्यों, क्योंकि इसका काम था किसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर, यीस्ट एक्सट्रैक्ट कैन फॉर्मेंट फर्मेंट शुगर टू अल्कोहल, एंजाइम्स इन्वॉल्व इन फर्मेंटेशन कैन फंक्शन आउट साइड लिविंग सेल्स, ठीक है ना। तो इस पे उसने रिसर्च करी थी, डिस्कवरी करी, तो इसलिए जो है एडवर्ड बुचनर को मिला नोबेल प्राइज़। 1908 में मिला इन दो लोगों को, पॉल अहर्लिच और मेटचिंकॉफ को, ठीक है ना। तो क्यों मिला था, इन्होंने थ्योरीज ऑफ इम्यूनिटीज दी थी, ठीक है ना, थ्योरीज ऑफ इम्यूनिटी दी, इसलिए पॉल अहर्लिच और मेटचिंकॉफ को मिला नोबेल प्राइज़ 1908 में। 1910 में मिला ए कोसल को, क्यों, क्योंकि सेल केमिस्ट्री, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक सब्सटेंसेस पे इन्होंने काम करा, ठीक है। 1915 में मिला आर विल स्टैटर को, ठीक है ना, तो ये जो है टॉपिक्स प्लांट पिगमेंट्स स्पेशली क्लोरोफिल उसके ऊपर काम करा, ठीक है ना। 1919 में मिला जूल्स बॉर्डेट को, जूल्स बॉर्डेट को क्यों मिला, कि डिस्कवरीज ऑफ इम्यूनिटी करी थी, ठीक है ना। 1929 में मिला क्रिश्चियन एच कुमान को, ठीक है ना, क्रिश्चियन एच कुमान को 1929 में, क्यों, डिस्कवरी ऑफ विटामिन बी करी थी, ठीक है ना, क्रिश्चियन एच कुमान को, ठीक है ना। 1931 में मिला नोबेल प्राइज ऑटो एच वारबर्ग को, ठीक है ना, ऑटो एच वारबर्ग को, ठीक है ना, क्यों मिला था, कि डिस्कवरी ऑफ नेचर ऑफ रेस्पिरेटरी इंजाइम्स ये डिस्कवर करी इसने, ठीक है ना। 1933 में मिला अवार्ड थॉमस हंट मॉर्गन को, ठीक है ना, थॉमस हंट मॉर्गन को, क्यों, क्योंकि इसने टी एच मॉर्गन भी बोलते हैं, ठीक है ना, क्रोमोसोम ट्रांसमिशन इन हेरिडिटी, ठीक है ना, ये होता है, इसके लिए इसको मिला टी एच मॉर्गन को, ठीक है ना, 1933 में। फिर 1937 में मिला अल्बर्ट सेजेंट ग्योर्गी को, ठीक है ना, अल्बर्ट सेजेंट ग्योर्गी को 1937 में, क्यों, क्योंकि बायोलॉजिकल कंपोजिशन ऑफ विटामिन सी पे काम करा इसने, ठीक है ना। 1943 में मिला हेनरिक डैम और ई ए डॉयजी को, ठीक है ना, क्यों मिला, क्योंकि डिस्कवरी एंड इफेक्ट ऑफ विटामिन के पे काम करा इन्होंने। 1945 में मिला सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को और अर्नस्ट बोरिस चेन और लॉर्ड हार्वर्ड डब्ल्यू फ्लोरी, इन तीनों को मिला, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अर्नस्ट बोरी चेन एंड लॉर्ड हार्वर्ड डब्ल्यू फ्लोरी को, ठीक है ना, क्यों मिला, डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ पेंसिलिन पे काम करें इन्होंने, वो डिस्कवर करें। 1947 में मिला नोबेल प्राइज कार्ल कोरी और गर्टी कोरी को, कार्ल कोरी और गर्टी कोरी को, क्यों मिला, हाँ वो इसलिए मिला कि कैटालिटिक कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज इस पे काम करा, डिस्कवरी करी, इसलिए इनको मिला कार्ल कोरी और गर्टी कोरी को। 1951 में मिला नोबेल प्राइज मैक्स थीलर को, ठीक है ना, क्यों मिला, क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन फॉर येलो फीवर इस पे काम करा था मैक्स थीलर ने, ठीक है ना। हाँ, 1952 में मिला सलमान ए वॉक्समैन को, ठीक है, 1952 में सलमान ए वॉक्समैन को नोबेल प्राइज़ मिला, क्यों, क्योंकि इसने काम करा था डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है ना, स्ट्रेप्टोमाइसिन पे काम करा, इसलिए मिला इसको सलमान ए वॉक्समैन को नोबेल प्राइज़, ठीक है ना। उसके बाद मिला था
सर एच ए क्रैब्स को मिला, सर एच ए क्रैब्स को मिला कब, 1953 में, क्यों कि डिस्कवरी ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल करी थी, ठीक है ना, इसलिए सर एच ए क्रैब्स को मिला 1953 में नोबल प्राइज़। 1954 में मिला जॉन एफ एंडर्स को, ठीक है ना, और टी एच वेलर और एफ रॉबिन्स, क्यों मिला कि कल्टीवेशन ऑफ पोलियो वायरस इन टिश्यू कल्चर, ठीक है, इसके लिए मिला इन तीनों को, जॉन एफ एंडर्स, टी एच वेलर एंड एफ रॉबिन्स को 54 में। 55 में मिला ए एच टी थ्यूरल को, ठीक है ना, क्यों मिला कि नेचर एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन इंजाइम्स, उस पर काम करा। 1958 में मिला नंबर वन मिला जोशो लेडरबर्ग को, ठीक है ना, इसको मिला जोशो लेडरबर्ग को इसलिए मिला कि जेनेटिक मटेरियल एंड मैकेनिज्म ऑफ रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया, इसके ऊपर काम करने के लिए जोशो लेडरबर्ग को मिला, ठीक है, 1958 में। और 1958 में ही जॉर्ज डब्ल्यू बीडल और एडवर्ड एल टेटम, ठीक है, बीडल टेटम को क्यों मिला, क्योंकि इन्होंने जो काम करा था वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस ये दिए थे, ठीक है ना, 1958 में ही इनको मिला नोबेल प्राइज। उसके बाद अवार्ड मिला 1959 में सर्वीरो ओको और आर्थर कॉर्नबर्ग को, ठीक है ना, सर्वीरो ओको और आर्थर कॉर्नबर्ग को 59 में मिला, क्यों मिला कि इसको मिला एंजाइम्स कैटालाइजिंग न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, ठीक है, इसलिए मिला सर्वेरो ओको को और आर्थर कॉर्नबर्ग को मिला कि डिस्कवरी ऑफ द मीन्स बाय विच डीएनए मॉलिक्यूल्स आर एप्लीकेटेड इन बैक्टीरियल सेल, ठीक है ना। उसके बाद 1962 में मिला तीन लोगों को, ठीक है ना, हाँ, पहले जो हैं जेम्स डी वाटसन और फ्रेंकोइस एच सी क्रिक, ठीक है, जिसको शॉर्ट में वाटसन एंड क्रिक नहीं बोलते, ठीक है ना, हाँ, इनको मिला डिस्कवरी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इसके लिए, ठीक है ना, हाँ। तो जो मॉरिस एच एफ विल्किंस को मिला फॉर दी एक्सरे डिफ्रेक्शन स्टडीज़ ऑफ डीएनए, ठीक है ना। और उसके बाद मतलब कि ये दोनों सेम ये डीएनए का ही है रिसर्च, तो इन तीनों को ये मिला था 1962 में नोबेल प्राइज़। 1965 में मिला दो लोगों के, दो अलग अलग फील्ड में, ठीक है ना, एक तो मिला फ्रांसिस जैकब और जैक्यूस मनोट को, ठीक है ना, फ्रांसिस जैकब और जैक्यूस मनोट, ठीक है, जिसको शॉर्ट में जैकब मनोट भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसको मिला रेगुलेशन ऑफ जीन एक्टिविटी, ठीक है ना, उसके लिए मिला है इसको जैकब मनोट फ्रांसिस को, ठीक है ना, हाँ। और ये जो एंड्री लुवाफ है इसको मिला डेमोंस्ट्रेशन ऑफ लाइसोजेनी में, ठीक है ना, हाँ, अलग टॉपिक है ये जैकब मनोट का। आप जब वो जीन रेगुलेशन मैकेनिज्म पढ़ते हैं ना, हाँ, जीन एक्सप्रेशन का वो प्रोक्रियाट वगैरह में, वहाँ पे आता है जिक्र इनका, जैकब मनोट का, ठीक है ना। 1968 में मिला रॉबर्ट डब्ल्यू होली, एच जी खोराना एंड मार्शल डब्ल्यू निरनबर्ग को, इनको मिला किस लिए, डेसीफरिंग द न्यूक्लिक जेनेटिक कोड डेसीफर करने के लिए जेनेटिक कोड को, इसलिए इनको मिला, ठीक है ना, होली खुराना और मार्शल निरंग को, ठीक है ना। 1969 में मिला मैक्स डेलब्रक अल्फ्रेड हर्शी एंड सेल्वाडोर एंड ई लोरिया, ठीक है ना, 69 में, क्यों मिला कि रेप्लिकेशन मैकेनिज्म्स एंड जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस बैक्टीरियोफेजेस मैकेनिज्म ऑफ वायरल इन्फेक्शन, इन पे रिसर्च करने के लिए इनको मिला। 74 में मिला जॉर्ज ई पलेडे, क्रिश्चियन डी डव, अल्बर्ट क्लॉडे, इनको मिला, ठीक है ना, क्यों मिला, सेलुलर फिजियोलॉजी डिस्कवरी ऑफ राइबोसोम्स और लाइसोसोम्स इनके लिए मिला, ठीक है ना। 1975 में मिला डेविड बाल्टीमोर होवर्ड टैमिन और रिनाटो डेल्बिको को, ठीक है ना, क्यों मिला था कि डिस्कवरी ऑफ आरएनए डिपेंडेंट डीएनए सिंथेसिस बाय आरएनए ट्यूमर वायरसेस डीएनए ट्यूमर वायरसेस, ठीक है, इस टॉपिक में मिला। 1978 में मिला दो लोगों को अलग अलग फील्ड में, ठीक है ना, एक मिला डैनियल नेथन्स
हैमिल्टन ओ स्मिथ और वर्नर अर्बर को, इनको मिला है रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स एंड देयर यूज़ इन मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स इसके लिए, और जो पीटर डी मिटचल था इसको कैमियो ऑस्मोटिक थ्योरी के लिए मिला, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं 1980 में मिला बरुज बेनासिराफ और जॉर्ज डी स्नेल आई और आई डोसेट, ठीक है ना। इनको किस लिए मिला कि डिस्कवरी ऑफ हिस्टो कंपैटिबिलिटी हिस्टो कंपैटिबिलिटी एंटीजेंस फॉर टिश्यू टाइपिंग, ठीक है ना। उसके लिए मिला इनको पीटर मिटचल, बरुज बेनासिराफ और जॉर्ज डी स्नेल और आई डोसेट इनको, ठीक है ना। 1980 में मिला पी बर्ग और डब्ल्यू गिलबर्ट और एफ सांगर को, ठीक है ना। क्यों मिला, हाँ एक तो आ गया डेवलपमेंट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, पी बर्ग, और इसके बाद जैसे ये डब्ल्यू गिलबर्ट और एफ सांगर, ठीक है ना, इनको मिला डेवलपमेंट ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक्स के लिए, ठीक है। ये मतलब के मिलते जुलते हैं, ठीक है ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक्स को के लिए इनको मिला, ठीक है ना। उसके बाद मिला 1982 में मिला एक लग को नोबेल प्राइज़ मिला 1982 में। क्यों मिला कि डेवलपमेंट फॉर द स्टडी एंड रिसर्च ऑन द डेवलपमेंट ऑफ क्रिस्टेलोग्राफिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड इलिसिडेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। इस काम के लिए एक लग को 1982 में नोबेल प्राइज़ मिला, ठीक है। 1983 में बर्बरा मैकलिनटॉक को मिला, क्यों मिला कि डिस्कवरी ऑफ जंपिंग जीन्स इन मेज, ठीक है ना, जंपिंग जीन्स मेज में वो डिस्कवरी करी, और बर्बरा मैकलिनटॉक को मिल गया 1983 में नोबेल प्राइज़। 1984 में मिला केसर मिलस्टीन और जॉर्ज जे एफ कोहलर को, ठीक है ना। क्यों मिला कि फॉर प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, इस टॉपिक के लिए मिला सीसर मिलस्टीन और जॉर्ज जे एफ कोहलर को, ठीक है ना। 1986 को मिला ई रुस्का को, ठीक है ना। क्यों मिला कि फॉर फैब्रिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए, ठीक है ना। 1988 में मिला जे डिसन होवर को, रॉबर्ट हुबर और हार्टमुट मिचेल को, ठीक है ना। क्यों मिला कि थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर ऑफ फोटोसिंथेटिक रिएक्शन सेंटर, ठीक है ना। उसके लिए इनको मिला डिसन होवर को, रॉबर्ट हुबर को, हार्टमुट मिचेल को 1988 में नोबेल प्राइज, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है जी, हाँ उसके बाद आ जाता है आपका 1989 में मिला एक ग्रुप था जिसमें टी आर कैच और सिडनी अल्टमान, ठीक है, इनकी रिसर्च थी कैटालिटिक रोल ऑफ आरएनए मींस एंजाइमेटिक, तो उसके लिए इनको मिला नोबेल प्राइज़। और 1989 में ही एक और मतलब के सेट को मिला था, एक और ग्रुप को मिला था जिसमें आ गया जे एम बिशप और एच ई वर्मस, ठीक है, इन दोनों को मिला था, जे एम बिशप और एच ई वर्मस को। क्यों मिला था कि सेलुलर ओरिजिन ऑफ कैंसर प्रोड्यूसिंग जीन के लिए इन्होंने काम करा, उसके लिए इनको मिला नोबेल प्राइज़, ठीक है ना। 1991 में मिला अरविंद नहर और बर्ट सकमान को नोबेल प्राइज़ मिला। क्यों मिला कि फंक्शन ऑफ सिंगल आयन चैनल इन द सेल्स, इस टॉपिक पे काम करने के लिए मिला, ठीक है ना। 1992 में मिला एडमंड एच फिशर और एडविन जे क्रैब्स को मिला। क्यों मिला कि रिवर्सिबल प्रोटीन फास्फोरिलेशन एज अ बायोलॉजिकल रेगुलेशन मैकेनिज्म, इसके लिए मिला, इस पे काम करा, इसलिए इनको मिला नोबेल प्राइज़, एडवर्ड फिशर और एडविन क्रैब्स को। 1993 में मिला, एक तो मिला फिलिप शार्प और रिचर्ड रॉबर्ट्स को, इनको मिला स्प्लिट जीन्स पे काम करने के लिए, ठीक है ना, फिलिप शार्प और रिचर्ड रॉबर्ट्स को। और उसके बाद 1993 में ही मिला के बी मुलिस और एम स्मिथ को, इनको मिला पीसीआर के लिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए मिला, किसको, इसको के बी मुलिस और एम स्मिथ को 1993 में नोबेल प्राइज़, ठीक है ना। 1994 में मिला नोबेल प्राइज़ जी अल्फ्रेड जिलमन और एम रॉडवेल को, ठीक है ना, अल्फ्रेड जिलमन और एम रॉडवेल को मिला 1994 में। क्यों, फॉर डिस्कवरी ऑफ जी प्रोटीन की डिस्कवरी के लिए इन दोनों को 1994 में नोबेल प्राइज़ मिला, ठीक है ना।
छियानवे में जो है पीसी डोगर्टी और आरएम जिंके मोगल को मिला, ठीक है ना, नोबेल प्राइज़। क्यों मिला? फॉर मैकेनिज्म ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ इन्फेक्टेड सेल्स बाय टी सेल्स ऑफ इम्यून सेल्स, इस पे काम, इस टॉपिक पे काम करने के लिए पीसी डोगर्टी और आरएम जिंके मोगल को मिला नोबेल प्राइज़। 1997 में मिला, एक तो मिला ये पीडी बायर और जे ई वाकर और जे सी सुको को, इनको मिला इंजाइम्स दैट पार्टिसिपेट इन कन्वर्जन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी, ठीक है ना, इस टॉपिक पे काम करने के लिए मिला। और 97 में ही स्टैनली प्रूसिनर को भी मिला, ठीक है ना, स्टैनली प्रूसिनर को नोबेल प्राइज 97 में इसलिए मिला क्योंकि इसने प्रायंस की डिस्कवरी करी थी, प्रायंस की, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद 1999 में मिला गंटर ग्लोबल को नोबेल प्राइज़। गंटर ग्लोबल को क्यों मिला? कि हाउ प्रोटीन्स क्रॉस द मेम्ब्रेन, इस पे काम करा गंटर ग्लोबल ने, इसलिए 1999 को इसको मिला नोबेल प्राइज़। इसमें ईयर 2000 में, सन 2000 में जो है अरविड कार्लसन, पॉल ग्रीनगार्ड और अरिक आर कैंडल को मिला नोबेल प्राइज़। क्यों मिला? सिग्नल ट्रांसडक्शन इन नर्वस सिस्टम, इस पे काम करने के लिए, ठीक है ना। 2001 में मिला नोबेल प्राइज़ आर टिमोथी हंट, पॉल एम नर्स और एल एच हार्टवेल को। क्यों मिला? कि फॉर द डिस्कवरी ऑफ मैकेनिज्म्स कंट्रोलिंग सेल साइकिल इन यूकेरियोट्स, सीडी के मॉलिक्यूल्स एंड साइक्लिंस ड्राइव द सेल फ्रॉम वन फेज टू द नेक्स्ट, ठीक है ना। तो इसके लिए काम करने के लिए इनको 2001 में मिला जो है नोबेल प्राइज़। सन 2002 में मिला नोबेल प्राइज़ एस ब्रेनर, एच रॉबर्ट हॉर्विट्स, रॉबर्ट हॉर्विट्स एंड जॉन ई सुलस्टन को, ठीक है। क्यों मिला? कि फॉर जेनेटिक रेगुलेशन ऑफ ऑर्गन डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम्ड सेल डेथ के लिए मिला, ठीक है ना। किस किस को? ब्रेनर एस ब्रेनर और एच रॉबर्ट हॉर्विट्स और जॉन ई सुलस्टन को 2002 में, ठीक है ना। 2005 में मिला जी नोबेल प्राइज़ इसको बी जे मार्शल और जे आर वरन को। क्यों मिला? कि फॉर द डिस्कवरी ऑफ द बैक्टीरियम हीलियोबैक्टर पाइलोरी एंड इट्स रोल इन गैस्ट्राइटिस एंड पेप्टिक अल्सर डिजीज, ठीक है। इसके लिए मार्शल और वरन को 2005 में नोबेल प्राइज़ मिला, ठीक है ना। 2006 में मिला एजेड फायर और क्रेग मिलो को नोबेल प्राइज़ मिला। क्यों? फॉर द डिस्कवरी ऑफ आर एन ए इंटरफेरेंस जीन्स साइलेंसिंग बाई डी एस आर एन ए, के डी एस आर एन ए से जो आर एन ए इंटरफेरेंस जीन होती है ना, उसकी डिस्कवरी के लिए जो है मिला किसको अवार्ड नोबेल प्राइज़, एजेड फायर और क्रेग मिलो को 2006 में, ठीक है ना। फिर 2007 में मिला नोबेल प्राइज़ मारियो कैपेची, मार्टन इवेंस एंड ओलिवर स्मिथिस, ठीक है। इनको 2007 में नोबेल प्राइज़ मिला। क्यों? फॉर डिस्कवरी ऑफ प्रिंसिपल्स फॉर इंट्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक जीन मॉडिफिकेशंस इन माइस, ठीक है ना। उसके बाद 2008 में नोबेल प्राइज़ मिला हेराल्ड जुर और हंसन को। इनको क्यों मिला? फॉर डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन पैपिलोमा वायरसेस काजिंग सर्विकल कैंसर, ये जो पैपिलोमा वायरस होते हैं ना सर्विकल कैंसर काज करते हैं, इनकी डिस्कवरी के लिए हेराल्ड जुर और हासन को मिला नोबेल प्राइज़ 2008 में, ठीक है ना। 2008 में ही नोबेल प्राइज़ और कुछ लोगों को भी मिला, ठीक है, किस किस को? एफ बेरे सैनोसी, ठीक है ना, एफ बेरे सैनोसी को और लू मोंटेग्नियर को, ठीक है ना। क्यों मिला? फॉर द डिस्कवरी ऑन ह्यूमन अम्यूनो डेफिशेंसी वायरस, ठीक है। इसके लिए 2008 में इनको भी नोबेल प्राइज़ मिला, ठीक है। फिर 2009 में नोबेल प्राइज़ मिला था वी रामा कृष्णन, टी ए स्टीट्स एंड ए ई योनाथ, इनको मिला था। क्यों? फॉर द स्टडीज़ ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स, इसके लिए इन तीनों को 2009 में नोबेल प्राइज़ मिला। और 2009 में ही ई एच ब्लैकबर्न, सी डब्ल्यू ग्रीडर और जे डब्ल्यू सुजोस्टक, इनको भी मिला। क्यों मिला? फॉर द डिस्कवरी ऑफ हाउ क्रोमोसोम्स आर प्रोटेक्टेड बाई टेलोमियर्स एंड द एंजाइम्स
टेलोमेरेज़, ठीक है। तो इसके साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है, कि उम्मीद है कि आपको जो है ये पसंद आई होगी। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।